Hello students, welcome to Everything Bio. I hope you are understanding whatever I am teaching to you. और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि बस एक महीने ही बचा है, मतलब एक महीने एक हफ्ता ऐसा कुछ तो भी आप काउंट कर रहे होंगे, लेकिन बेसिकली 7 दिन तो हम लोग ऐसे ही टेंशन करके वो कहाँ चला जाता पता नहीं चलता. तो 30 दिन है, हम लोग को उसके अंदर रिवाइज करना है. नया कुछ तो नहीं होने वाला है इस टाइम में, नहीं होने वाला है इन द सेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब नहीं करना चाहिए क्योंकि इस टाइम में इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होती है कि आप अगर पुराने जो भी पढ़े हैं उसी को अगर रिवाइज़ कर रहे हैं बार 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 तो उसमें अच्छा होता है. क्योंकि अगर एक चीज़ को आप बार बार देख रहे हैं ना तो वो दिमाग में आ जाता है, लेकिन नया जितना भी आप इंफॉर्मेशन गेन करेंगे और फिर आप सोचेंगे कि हाँ इसी को ही अप्लाई करना है, तो वो उस मोमेंट में, उस 3 घंटे की जो बाउंड्री है उस मोमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, याद नहीं आता है हमेशा ये सब चीज़ें. और मैं इसीलिए आपके लिए डिटेल्ड बहुत ज़्यादा नहीं लाई हूँ, मतलब सिर्फ NCERT को फोकस करके उसी के ही सीरीज़ लाई हूँ बिफोर द एग्ज़ाम, बिकॉज आई नो कि अभी NCERT इज़ द बाइबल, राइट? NCERT, यू नीड NCERT फॉर लाइक एनी टाइम. तो अगर एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले भी हो, एक महीने पहले भी हो, NCERT इज़ बाइबल फॉर यू. तो इसीलिए मैंने NCERT का ही सीरीज़ किया है. इसके पहले मैंने और 2 चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है वो मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, तो यू कैन चेक दैट आउट. और आज हम लोग शुरू करेंगे प्लांट किंगडम. तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, इन सब का वीडियो लिंक रहेगा. और इसके साथ साथ ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ इसका भी जो पार्ट 1, 2, 3, 4 चार पार्ट में आएगा, तो ये चार पार्ट भी इसी लिंक के साथ, सॉरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी उस कमेंट को, तो आप वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो शुरू करते हैं. और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है मेरी पढ़ाया हुआ चीज़ में तो प्लीज़ रीच आउट टू मी थ्रू माई ईमेल आईडी, वो भी प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन. और यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल एवरीथिंग बायो, आप नॉर्मल एवरीथिंग बायो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. और वहाँ पे मैं प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करती हूँ और फिर उसका सोल्यूशन मैं बाद में वीडियो में आपको दे दूँगी. तो शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है. इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर. हमने क्या पढ़ा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. विटेकर ने दिया था क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना. इसके पहले भी था 1, 2, 3, 4 लाइक सॉरी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4th किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ऐसे करके एक एक किंगडम जुड़ता हुआ गया था, कभी मोनेरा कभी प्रोटिस्टा ऐसे करके, है ना. वेर इन ही सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांट. तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, लास्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में ही हम लोग उसको ख़त्म कर चुके हैं. और उसके साथ साथ वायरस, वायरॉइड, प्रायंस, लाइकेंस ये सब भी पढ़े हैं जो कि इन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं आता है, ठीक है. तो इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विथ फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांट, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे. वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम. जैसे कि पहले हम लोग जब क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे आया है, पहले एनिमल, प्लांट, फिर एनाइमा, ठीक है, ये सब जो आया था विदाउट RBC, विथ RBC, ये सब, इसके साथ साथ ट्री, श्रब्स, तो ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड जितना टेक्नोलॉजी एनहेंस हुआ है, जितना डेवलपमेंट हुई है और जितना सोचने की ताकत बढ़ी है, सोचने की ताकत बेसिकली नहीं, जितना टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है तो हम लोग को और भी ज़्यादा जानकारी हुई है, ठीक है. तो जैसे जैसे जानकारी मिलती गई है वैसे वैसे इसका इवोल्यूशन होता गया, मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम का इवोल्यूशन होता गया. कभी 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम. पहले देखते थे कि बस RBC है या नहीं है, उसके बाद देखने लगे अच्छा सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, इसका जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है, इसके ऊपर देखने लगे, ठीक है. तो फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांट through their earlier classification placed them in the same kingdom. So the cyanobacteria there are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. तो cyanobacteria जिसको जिसका नाम ही दिया गया था blue-green algae,
वो अब और एल्गी नहीं रहे, क्योंकि मोनेरा एंड प्रोटिस्टा इनके सेल वॉल है एंड नाउ दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांट्स. तो प्लांट किंगडम से मोनेरा और प्रोटिस्टा को निकाल दिया गया. ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं व्हाट इज मोनेरा व्हाट इज प्रोटिस्टा, लेकिन इसके पहले प्लांट किंगडम में ही मोनेरा और प्रोटिस्टा को रखा गया था. तो इसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो यहाँ पे पांच कैटेगरीज हम लोग देखेंगे जो प्लांट के अंदर आते हैं. ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म. लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म, अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of the leaves. तो कुछ चीज़ के ऊपर ये सब क्लासिफिकेशन किया गया. किस चीज़ के ऊपर? कि हैबिटेट क्या है उसका. ठीक है, कौन सी जगह में रहना पसंद करते हैं, ठंड के जगह में या बरसात जहाँ पे होती है वहाँ पे, या सूखी रूखी जगह में कहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं. ठीक है, उसका कलर क्या है, नंबर क्या है एंड शेप ऑफ लीव्स कैसे हैं. तो दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स सिस्टम गिवन बाय लिनियस. सच सिस्टम वेर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल एंड लिनियस ने. ओके, इसके बाद आता है कि दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इक्वल वेटेज अगर दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा ईजीली इफेक्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट के दौरान, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या रहता है, एक जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, जीन मटेरियल रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है और उसमें इवोल्यूशन होती है, म्यूटेशन होती है. लेकिन जितनी जल्दी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर इफेक्ट देता है एनवायरमेंटल कुछ भी इफेक्ट्स आती है, उतना जल्दी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता है. ठीक है, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट. एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्स विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर. तो आर्टिफिशियल सिस्टम किसने किया था? लिनियस और एरिस्टोटल ने. एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने किया था, मतलब किसने बोले थे उसके बारे में, नेचुरल क्लासिफिकेशन? इट वॉज बाय जॉर्ज बेंथम. जोसेफ डार्ट. ठीक है, सो दिस वॉज गिवन बाय नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन ने. और आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? एरिस्टोटल एंड लिनियस. नाउ एज अगेंस्ट, ये तो हो गया विच वेर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर बेस करके ही नहीं, इसके साथ साथ इंटरनल फीचर्स जो हैं उसके ऊपर बेस करके भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया. लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस करके, और इसके साथ साथ जो एनाटॉमी है, एम्ब्रायोलॉजी क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, ये सारे के सारे मुद्दे को नज़र रखते हुए फिर ये क्लासिफिकेशन किया गया. सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाई जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. तो ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि जॉर्ज बेंथम ने किया था और जोसेफ डाल्टन हुकर ने ये किया था. इसके बाद आता है कि एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल. तो इसके बाद आता है, पहले देखो, पहले एकदम शुरुआत में हम लोग देखे हैं आर्टिफिशियल में
कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को एक सेम वेटेज दिया गया. ओके, ये था. और यहाँ पे क्या हो रहा था, हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स के ऊपर बेस करके ये कैरेक्टर्स डिफाइन कर रहे थे. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फीचर्स को ही सिर्फ नहीं, इंटरनल फीचर्स के ऊपर भी ये लोग एम्फसाइज कर रहे हैं, जैसे कि अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ऑल दिस थिंग्स वे कंसिडर्ड. नाउ एट प्रेजेंट जैसे कि फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन आया है, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन क्या देख रहा है कि अब इवोल्यूशन रिलेशनशिप क्या है, मतलब ओवर द पीरियड जो इवोल्यूशन हुआ है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेसिकली क्या है एंड बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स. दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव द कॉमन एंसेस्टर. मतलब ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर सेम टैक्सा में प्रेजेंट है, टैक्सा आपको पता है दैट इज अ कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी, राइट, तो सेम टैक्सा में अगर प्रेजेंट है तो इसमें इसका जो एंसेस्टर होगा वो कॉमन होगा. और ये हम लोग ऑलरेडी टैक्सोनॉमी पढ़ने के टाइम में देखे हैं कि हाँ, अगर सेम क्लास के अंदर सपोज एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उनका सेम होता है, ठीक है, मतलब वो उनका जो एंसेस्टर होते हैं वो सेम होते हैं. अगर स्पीसीज कुछ जीनस के अंदर प्रेजेंट है तो उनका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसा मिलता जुलता है, तो हम लोग वहाँ से देखते हैं कि इनका जो एंसेस्टर है वो सेम है. तो ये है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है. और ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिकली कुछ साइंटिस्ट ने दिए थे. और ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, एंग्लर ने, ठीक है, एंग्लर थे, इसके साथ साथ प्रांटल थे, तो इन्होंने दिए थे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसके बाद वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फॉर्म मेनी अदर सोर्सेस टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन. दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, अब यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे करके क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ है, पहले आर्टिफिशियल, फिर नेचुरल, फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. इसके बाद आते हैं टैक्सोनॉमी में. टैक्सोनॉमी में क्या है कि तीन तरीके की हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेंशन है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक. नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड. इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस एंड at the same time hundreds of characters can be considered. तो numerical taxonomy को हम लोग और एक नाम बोलते हैं, color change कर देते हैं, हाँ, और एक नाम इसका क्या है, phenetics, ठीक है, ये सब छोटे छोटे note कर लेना बस book में. Now in this way each character is given equal importance. तो हर एक character को equal importance के तौर पर देखा गया and the same time hundreds of characters can be considered. Cytotaxonomy that is based on cytological information like chromosome number, structural behavior, this is called as cytotaxonomy. ठीक है, इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं, that is karyotaxonomy. Okay, so this is a cytotaxonomy. And chemotaxonomy mein kya hota hai? That uses the chemical constituents of the plant to resolve confusions are also used by taxonomists these days. तो यहाँ पे केमिकल कंस्टिट्यूशन, केमिकल्स मतलब बायोमोलिक्यूल्स का जो सिचुएशन है वो कैसा है, क्या क्या केमिकल्स है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके ऊपर बेस करके, मतलब और ज़्यादा मॉलिक्यूलर बेसिस में जाके उसको देख रहे हैं, ठीक है. तो पहले माइक्रोस्कोपिक व्यू, उसके बाद मॉलिक्यूलर एक देख के उसके ऊपर बेसिस करके ये टैक्सोनॉमी किया जा रहा है. तो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि क्या क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है और उसके साथ साथ क्या क्या टैक्सोनॉमी हम लोग देखते हैं, चर्चे में क्या क्या टैक्सोनॉमी प्रेजेंट है. अब जैसे कि हम लोग कुछ देर पहले ही जाने कि इस चैप्टर में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो शुरू होगा एल्गी से, ठीक है. तो ये एल्गी पहले नहीं था यहाँ पे, ठीक है, ये आया है मेहमान. चलो
देखते हैं, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन। ठीक है, तो वी नो दैट कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, खुद का खाना खुद बनाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो या कीमोसिंथेसिस हो, ठीक है, केमिकली भी तो होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब वो सन से लेगा, ठीक है, सन से एनर्जी लेके फूड सिंथेसाइज करेगा, और कीमोसिंथेसिस मतलब केमिकल से एनर्जी लेगा और फिर वो सिंथेसाइज करेगा। नाउ दे ऑकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मोस्ट मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। सम ऑफ देम ऑल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, दैट इज लाइकेन एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल स्लॉथ बियर। इन द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गा इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स बना लीजिएगा, जैसे कि इसका जो हैबिटेट है वो हैबिटेट यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, दे ऑकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड। तो हम लोग अगर मॉइस्ट स्टोन अगर जानते हैं तो एक मॉइस्चर रहेगा जहाँ पे, वहाँ पे एल्गी प्रेजेंट होगा, ऐसा एक हम लोग अपने दिमाग में मतलब ये समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप मतलब एक जीस्ट पे जैसा याद रखिएगा, बहुत कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कुछ कॉमन सेंस से भी हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं कि इसका साइज बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, कहीं पे कॉलोनियल मिलेगा, कॉलोनियल में कौन रहता है, वॉल्वॉक्स रहता है, और फिलामेंट्स, अगर फिलामेंट्स रहेगा तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ये सब प्रेजेंट है। अ न्यू फॉर्म, अ फ्यू ऑफ द मेरीन फॉर्म्स सच एज केव्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। तो केव्स बहुत ज़्यादा लाइक लार्ज एक प्लांट बॉडी होता है, एंड इट इज़ इन द प्लांट किंगडम, तो ऑटोमेटिकली इस एल्गी को हम लोग मतलब एक मैसिव प्लांट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन दिस इज द एल्गी, ठीक है, ऑब्वियसली प्लांट। नाउ द एल्गी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो कितने सारे मेथड हैं इनके पास, तीन मेथड प्रेजेंट है इनके पास, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन, ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स into a thallus. Asexual reproduction is by the production of different types of spores. तो ये देखो, ये सब नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सब होगा, लेकिन सिर्फ फ्रेगमेंटेशन जो है वो एल्गी के लिए है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल में स्पोर्स ही क्रिएट होते हैं, ठीक है, कभी एक्सोजीनियसली होते हैं, कभी एंडोजीनियसली होते हैं। आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड यू ऑल द मीनिंग्स, राइट, एक्सो मतलब बॉडी के बाहर, एंडो मतलब बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और मोस्ट कॉमन बींग ऑफ देम आर जू स्पोर्स, दे आर फ्लैजिलेटेड, दैट इज मोटाइल। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लोकोमोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दे विल बी मोटाइल। On germination gives rise to new plants. Sexual reproduction takes place through fish fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size, that is in Eulothrix, and non-flagellated, that is non-motile. ठीक है, तो कुछ कुछ हम लोग देख रहे हैं कि sexual reproduction में क्या होता है, टू gametes की फ्यूजन होती है, we already know that. These gametes can be flagellated, मतलब ये मोशन कर सकता है, मोटाइल हो सकती है, और सिमिलर इन साइज, ठीक है, आइसोगैमी, आइसोगैमी को भी तो हम लोग बोलते हैं सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स में हम लोग देखते हैं कि सिमिलर इन साइज है और गैमेट्स फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, एंड और नॉन फ्लैजिलेटेड, दैट इज नॉन मोटाइल। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट विल नॉट बी मोटाइल, बट सिमिलर इन साइज। तो एक में फ्लैजिला प्रेजेंट है और सिमिलर इन साइज है, दैट इज यूलोथ्रिक्स, और एक में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, दे आर नॉन मोटाइल एंड सिमिलर इन साइज, एंड दैट इज स्पायरोगायरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमस, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आइसोगैमेट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब सेम इन साइज होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स, राइट, आइसोगैमी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, अगर सिमिलर साइज में नहीं हुआ तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस, और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूजोरीना,
राइट, यूटेरिना इज द एग्जाम्पल जहाँ पे दो गैमेट है लेकिन दे आर नॉट सिमिलर इन साइज, दैट इज डिसिमिलर इन साइज, दे आर एनाइसोगैम्स. फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, जो कि हम लोगों का भी होता है ना. तो इट इज टर्म्ड एज ओगैमस. और ये कहाँ पे दिखता है? वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, ठीक है, इसमें. तो तीन चीज है, ठीक है. देखो, वेजिटेटिव अगर है, तुमने साइड में से लिख लो, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना, एक बार देखोगे याद आ जाएगा. फ्रैगमेंटेशन हो रही है, ठीक है. फ्रैगमेंटेशन मतलब अगर कोई भी जगह अगर बॉडी का कट गया तो वहां से फिर नया बन जाएगा. नेक्स्ट क्या है? एसेक्सुअल. एसेक्सुअल में हम लोग क्या देखते हैं? ज़ूस्पोर्स, राइट. और ये ज़ूस्पोर्स मोटाइल है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड है, तो ये क्या होगा? मोटाइल होगा. ओके, इसके बाद आता है सेक्सुअल. अब सेक्सुअल में तीन हिस्सा है, मतलब तीन हिस्सा है, इन द सेंस तीन टाइप्स है. तीन टाइप्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक है आइसोगैमस, दूसरा है एनाइसोगैमस और तीसरा है ओगैमस, ठीक है. आइसोगैमस में क्या है? यहाँ पे दो चीज हम लोग देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे दो चीज हम लोग देखते हैं. एक क्या है? आइसोगैमस में ऑब्वियसली दोनों ही सिमिलर इन साइज होगा, राइट. इसमें तो कोई भी मतलब गलती तो हो ही नहीं सकती कि ये सिमिलर इन साइज है, राइट. और ये सिमिलर नहीं है, डिफरेंट इन साइज, डिफरेंट इन साइज, ये डिफरेंट इन साइज है. और आइसोगैमस में हम लोग दो डिफरेंसेस देखते हैं. वो डिफरेंस क्या है कि एक मोटाइल होता है, मतलब एक में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और दूसरा नॉन मोटाइल होता है, मतलब उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है. ये हो गया हमारा आइसोगैमस के बारे में. आइसोगैमस के बाद हम लोग देखते हैं एनाइसोगैमस. और एनाइसोगैमस में हम लोग देखेंगे डिफरेंट इन साइज. और यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल दिया गया है कि यूडोरिना, ठीक है, यूडोरिना इज द एग्जाम्पल. और यहाँ पे जो सिमिलर इन साइज था और मोटाइल भी था वो कौन था? वो कौन था? यहाँ पे नॉन मोटाइल जो था दिस वॉज स्पाइरोगायरा, और यहाँ पे जो मोटाइल था वो था क्या? यूलोथ्रिक्स, राइट. तो इसके बाद हम लोग आते हैं ओगैमस में. ओगैमस में डिसिमिलर इन साइज तो है ही, एक बड़ा है और एक छोटा है. एक बड़ा है, उसके साथ साथ स्टैटिक भी है, और ये लार्ज है, नॉन मोटाइल है, ठीक है. तो एक यहाँ पे दोनों चीज नहीं होगा, मतलब जस्ट इसको मिटाना पड़ेगा. ओगैमस में ये सब कुछ नहीं होता है. ओगैमस में बस ऐसा होता है कि एक जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होती है और साइज में बड़ा होता है, और जो मेल गैमेट है वो साइज में छोटा होता है, मोटाइल होता है. ओके, और ये कौन है? वॉल्वॉक्स में दिखता है और फ्यूकस में भी दिखता है, ठीक है. तो ये था एक जिस्ट. तो ये आप जस्ट नॉर्मल देख लेंगे, तो एग्जाम के पहले जस्ट ऐसे पन्ना पलटाते जाएंगे तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको चलेगा. क्योंकि देखो मेन क्या है ना कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल को याद रखना है, दैट इज द मेन थिंग. तो ये आप एक दो बार पढ़ते पढ़ते अगर ऐसे चार्ट करके पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया गया है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. यहाँ पे डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी, जो मतलब जो लार्ज सेल्स है तो वो देख के आप बता सकते हैं, और जो छोटे छोटे सेल्स है वहाँ पे हम लोग उसको डॉटर कॉलोनी बोल रहे हैं. यहाँ पे फॉन्ट कौन सा है, टाइप कौन सा है, होल्ड फास्ट कौन सा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, पिक्चर टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, ठीक है. और कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर्स भी आए हैं, एक क्वेश्चन शायद आए हैं पिक्चर बेस्ड. तो लास्ट दो तीन साल से नहीं आया था, तो लोगों को लगा था कि एनसीईआरटी से और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन लास्ट ईयर ही आया है. तो लास्ट ईयर ही आया है शायद, आई थिंक सो, लास्ट ईयर आया है. सो एयर ब्लैडर
फॉन्ट मिडरिफ होल्ड फास्ट, तो यू जस्ट गो थ्रू दिस. आप तो ये पिक्चर्स अगर याद नहीं भी रहे ना, तो मेक श्योर कि आप छोटे छोटे, मतलब ये तो बहुत ईजी पिक्चर्स है, इसको आप ड्रॉ करके थोड़ा थोड़ा, मतलब एटलीस्ट पॉइंट, मतलब एक रफ ड्राइंग, आपको कोई पिकासो नहीं बनना है, एक रफ ड्राइंग करके बस ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को इसको आप याद कर लीजिएगा. क्योंकि कभी कभी ऐसे कर देते हैं कि ये क्या है, दिस इज, मतलब यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे, यहाँ पे डी लिख देंगे, और फिर बोलेंगे ए सी डी बताओ. तो दिस क्वेश्चंस हैपन. नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्गी का जो नेक्स्ट पार्ट है कि एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज. ठीक है, बहुत सारे वेज हैं एल्गी का. जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे पता चलेगा, एटलीस्ट हाफ ऑफ अ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, मतलब कितना बड़ा अमाउंट है और सिर्फ वो एल्गी से हो जाता है. कैन यू इमेजिन बींग फोटोसिंथेटिक, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट एंड दे आर ऑफ paramount importance as primary producers of energy rich compound which form the basis of the food cycles of all aquatic animals. To ye jo paramount of the importance ye kahan pe, ha primary producers, theek hai, primary producers of energy, producers of energy rich compound. ओके, तो ये कौन है, एल्गी. एंड ये किस चीज़ के लिए है, फॉर एक्वाटिक एनवायरनमेंट. ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है. ठीक है, नाउ मेनी स्पीसीज लाइक पॉर्फिरा, लैमिनेरिया, सरगैजम, नॉट सरगैजम, इट्स सरगैजम, ठीक है, आर अमोंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेरिन एल्गी यूज्ड एज फूड. सर्टेन मेरिन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स. हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस. ठीक है, जो पानी को होल्ड कर सकता है, तो हाइड्रोक्लोराइड्स को बोलते हैं. और ये कहाँ पे हम लोग देखते हैं, सर्टेन मेरिन ब्राउन एंड रेड एल्गी हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं. जैसे कि एल्गिन, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्लोराइड ऑफ ब्राउन एल्गी, एंड कैरेजिन ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, विच आर यूज कॉमर्शियली. अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज. तो ये जो अगार है ना, ये अगार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आप अगर कोई भी, मतलब नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में आप देखेंगे कैसे प्लेटिंग करते हैं, तो अगार बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है फॉर एनी काइंड ऑफ माइक्रो, मतलब माइक्रोब्स को अगर ग्रो करना है तो एज अ ग्रोथ मीडियम हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अगार ही लेते हैं. ठीक है, बहुत तरीके की अगार होता है, तो अगार को लिया जाता है. और ये कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से. ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ, और इसके साथ साथ कुछ आइसक्रीम के प्रिपरेशन में, जेलीज के प्रिपरेशन में ये अगार यूज होता है. ठीक है, तो क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स. ठीक है, तो क्लोरेला एक फूड सप्लीमेंट की जैसे यूज किया जाता है, स्पेस ट्रैवलर्स उनको ज्यादा यूज करते हैं. और इनमें क्या रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिंस, व्हाटएवर, प्रोटीन्स रिच होता है. ओके, ये याद रखना, क्लोरेला में क्या रहता है, ज्यादा प्रोटीन रहती है. द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस. अब हम लोग देख रहे थे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो गया. अब एल्गी के अंदर हम लोग देखेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ठीक है, तो क्लोरोफाइसी में हम लोग क्या देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी. तो ऑब्वियसली यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा वाला पिगमेंट ज़्यादा होगा, क्लोरोफिल. और इसके बाद फियोफाइसी में क्या होता है, फियोफाइसी इज द ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी इज द रेड एल्गी, है ना. तो रोडो आर से रेड, और क्लोरो क्लोरोफिल है तो ग्रीन, और बच के क्या रह गया, ब्राउन एल्गी, दैट इज द फियोफाइसी. ईजी. नाउ क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी क्या होते हैं,
The plant body may be unicellular, colonial or filamentous. तो colonial मतलब एक साथ रहना पसंद करते हैं, unicellular भी होते हैं और colonial हो सकते हैं या तो फिर filamentous भी हो सकते हैं. filamentous होते हैं तो filament रहेगा, तो filament अगर रहेगा तो वो क्या होगा, वो motile होगा, है ना, वो motile होगा. They are usually grass green due to the dominance pigments of chlorophyll A and B. And the pigments are localized in definite chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped. मतलब chloroplast का कुछ भी shape हो सकता है in different species. Species के ऊपर depend करता है कि chloroplast का shape कैसा हो सकता है. वो discoid भी हो सकती है, plate-like, चपटा भी हो सकता है, reticulate या तो फिर cup जैसा हो सकता है, spiral हो सकता है, ribbon-shaped हो सकता है, कुछ भी shape हो सकता है. Depend करता है कि कौन से species के अंदर ये chloroplast हम लोगों को मिला है. Most of the member have one or more storage bodies called pyrenoids. तो storage body क्या है? Pyrenoids है. और ये कहाँ पे located है? Chloroplast में located है. ठीक है, pyrenoids contain क्या? Protein besides starch. Some algae may store food in them in the form of oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall made of inner layer of cellulose and outer layer of pectose. तो ये सब जो lines है कि हाँ पेक्टोज प्रेजेंट है, सेलुलोज प्रेजेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस. ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं. जैसे कि देखो, इसको इसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से ये ग्रीन एल्गी, आप यहीं पे लिख लो, मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और कुछ चीज़ जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे शेप्स होते हैं, कौन से क्लोरोफिल यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, दिस कैन बी योर सेकंड पॉइंट. ठीक है, ये तो यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस होता है, वो तो अलग बात है. मेन पॉइंट क्या होता है कि क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो कोई नहीं पूछेगा, कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कि बताओ क्लोरोफाइसिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप कैसा है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज. ये पायरेनॉइड्स इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, पायरेनॉइड्स कहाँ पे लोकेटेड है, क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड है. इसके अंदर मतलब ये पायरेनॉइड्स कंटेन क्या करता है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये इम्पॉर्टेंट है. ये पूरे पैसेज में ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. वट एवर यू आर रीडिंग थ्रू दिस रीडिंग अबाउट दिस पायरेनॉइड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके साथ साथ कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, एंड ऑब्वियसली यूनिसेलुलर होता है, क्लोरोनियल होता है और मोटाइल भी हो सकते हैं. नाउ सम एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, यस. और इसके साथ साथ जो इनर लेयर है वो सेलुलोज का है और जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज का बना हुआ होता है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. नाउ कम टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं, इट इज यूजुअली टेक बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. तो हम लोग देखे हैं वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन ही होती है, क्योंकि एल्गी का जो कॉमन था, कॉमन जो क्राइटेरिया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वो फ्रेगमेंटेशन ही था. तो वी कैन से दैट कि हम लोग एल्गी के अंदर भी जितने सारे स्पीसीज देख रहे हैं यहाँ पे, वो भी फ्रेगमेंटेशन ही होगा उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, वी हैव सीन दैट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी स्पोर्स फॉर्म करते हैं, राइट, वी हैव सीन हियर और हमने यहाँ पे लिखा भी था. तो इसके बाद एक सेकेंड, हाँ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्लैजिलेटेड, जू स्पोर्स आर प्रेजेंट. तो यहाँ पे जू स्पोर्स हम लोग दो तरीके के देखे थे, एक था फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल और एक दूसरा था नॉन मोटाइल, है ना. तो इसके बाद ये प्रोड्यूस कैसे होता है, जू स्पोरेंजिया से. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ओगैमस. तो हम लोग जो भी एल्गी के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में पढ़े थे वो सेम चीज़ यहाँ पे भी आ रही है. ठीक है, तो एक चीज़ को पढ़ने से ही ये हो जा रहा है, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स, हाँ, ये फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है, मोटाइल होगा. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आइसोगैमस, मतलब सेम साइज ऑफ गैमेट्स, बोथ गैमेट्स आर द सेम साइज. एनआइसोगैमस भी हो सकते हैं डिफरेंट साइज, ओगैमस भी हो सकते हैं, मतलब फीमेल जो होगा वो स्टैटिक होगा और एक ही जगह रहेगा, वो कहीं पे नहीं जाएगा. और स्पर्म जो होगा वो मोटाइल होगा और साइज में स्मॉल होगा, स्मॉल मतलब स्मॉलर देन द फीमेल गैम. ठीक है,
Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Eulothrix, Spirogyra and Cara. तो ये था क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल्स, ठीक है. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चार पांच यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम्पल्स, ऑल ऑफ देम आर क्लोरोफाइसी ऑब्वियसली, एंड ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है. तो ये कुछ बेसिक सा चीज़ है, क्योंकि देखो अगर कभी एग्जाम्पल्स आ गया कि व्हाट इज़ द पिगमेंट, ठीक है, कौन सा वाला पिगमेंट यहाँ पे डोमिनेंट होता है, और यहाँ पे आपका नाम दे दिया क्लैमाइडोमोनस और इसके साथ यहाँ पे दे दिया सर्गैज़म, ठीक है. तो क्लैमाइडोमोनस क्लोरोफाइसी में आता है, सर्गैज़म फियोफाइसी में आता है. तो यू नो दैट कि क्लोरोफिल ए और बी डोमिनेंट अगर होगा तो वो क्लैमाइडोमोनस में होगा रैदर देन सर्गैज़म. तो इसीलिए एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिया गया है, ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसको ऐसे मत करना कि पांच एग्जाम्पल दिए हैं तो तीन अगर याद है तो चलेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में चलता है, ठीक है. कि आपको अगर सपोज क्लोरोफाइसी के लिए आप उसके डेफिनेशन लिखो और एग्जाम्पल लिखो, या तो फिर उसके बारे में दो मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आपको क्लोरोफाइसी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, या तो फिर तीन मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना है. यू कैन डू दैट कि अपना जो याद में है उसी को हम लोग लिख रहे हैं. लेकिन अगर MCQ बेस्ड में जब हम लोग नेशनल लेवल के एंट्रेंस में जा रहे हैं तो वहाँ हम लोग ये भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि हम लोग हमको जो पसंद आ रहा है हम वही बस याद करेंगे. इट कैन नॉट बी. तो ये जो पांचों एग्जाम्पल है ना, अगर अच्छे मार्क्स लाना है, अगर सुकून से जीना है, तो ये पांचों एग्जाम्पल, ये जो लास्ट ये एक महीना चल रहा है ना अभी, ये सब बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट रिवाइज करो. फास्ट फास्ट रिवाइज इन द सेंस, पहला रिविजन बहुत स्लो होता है, दूसरा रिवीजन उससे ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट होता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है. तो ऐसे करके एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, 10 बार 12 बार करके पढ़ो, देखो हो जाएगा. कोई भी चीज़ आप 10 12 बार पढ़ोगे हो जाएगा. नाउ फियोफाइसी, नेक्स्ट क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी. नाउ द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मेरीन हैबिटेट्स. ओके, तो हम लोग ये देखे थे कि यहाँ में जो हैबिटेट था, this was the habitat was not mentioned here basically, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका habitat mentioned है और ये marine habitat होते हैं. they show great variation in size and form, they range from simple branched filamentous. वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, unicellular colonial filamentous, ठीक है. यहाँ पे branch आ रहा है, branch आ रहा है मतलब ये थोड़ा सा तो इसका size भी ज़्यादा होगा, है ना, यूनिसेलुलर से तो ज़्यादा होगा क्योंकि ये सिंपल ब्रांच्ड है और वो यूनिसेलुलर था. फिलामेंटस एक्टोकार्पस इज द एग्जाम्पल फॉर दिस. टू प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड फॉर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स. सी नाउ विच मे रीच अ हाइट ऑफ 100 meters. 100 meters मतलब बहुत ज़्यादा लंबा. नाउ दे पॉजेसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैटनॉइस एंड ज़ैंथोफिल. तो वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, क्लोरोफिल ए एंड बी इज डोमिनेंट, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं फियोफाइसी में ए एंड सी, कैरेनॉइड एंड ज़ैंथोफिल्स आर द डोमिनेंट वन. नाउ दे वैरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन. तो यहाँ पे सिर्फ ब्राउन बोल के नहीं रुक गए हैं, यहाँ पे बोले हैं वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, कुछ अलग तरीके की कुछ ब्राउन, ऑलिव ग्रीन टाइप का, मतलब हल्का ग्रीन और ब्राउन को मिक्स करके एक जो मतलब एक मीडियम रेंज में जो कलर आ रहा है वैसा टाइप का. तो ये सब होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज कि कौन से वाले स्पीसीज में कौन सा, मतलब क्लोरोफिल ए ज़्यादा है, ज़ैंथोफिल ज़्यादा है, कैटेनॉइड ज़्यादा है, तो ये डिपेंड करता है. और इसके ऊपर बेस करके, उस पिगमेंट के कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस करके इसका ऑर्गेनिज्म का कलर आता है obviously. Now, depending upon the amount of xanthophyll pigment, fucoxanthin present in them. Okay. Now, food is stored as complex carbohydrates. वहाँ पे हम लोग देखे थे protein and starch. वहाँ पे मतलब कहाँ पे? Chlorophyceae में. Now, food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of laminarin or mannitol. ठीक है. The vegetative cells have a cellulosic cell wall usually covered on the outside of the gelatinous coating of algae. The protoplast contain, in addition to the plastids, a centrally located vacuole and nucleus.
The plant body is usually attached to the substratum by holdfast and has a stalk and the stipe and leaf-like photosynthetic organ, the frond. तो यहाँ पे जब हम लोग ये वाले पिक्चर में जाएंगे, ठीक है, ब्राउन एल्गी जैसे लैमिनेरिया एंड फ्यूकस, ओके, एंड डिक्टियोपिया, सी दिस पोर्शन. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉन्ड प्रेजेंट है. अच्छा, मैंने तीसरी चीज को इरेज कर दिया. ओके, देखो यहाँ पे फ्रॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, स्टाइप प्रेजेंट है, होल्ड फास्ट प्रेजेंट है, इसमें भी स्टाइप प्रेजेंट है, होल्ड फास्ट प्रेजेंट है. ऑल दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ फ्रॉन्ड हेयर, ठीक है. और यहाँ पे कुछ कुछ एयर ब्लडर भी दिखाए हैं और मिडरिब, तो आपको पता ही है मिडरिब क्या होता है. तो यही यहाँ पे ब्राउन एल्गी में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द प्लांट बॉडी, मतलब यहाँ पे अभी प्लांट बॉडी के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि इसके पहले जो था ना वो यूनिसेलुलर था, ठीक है, एक ही सेल में वो सब कुछ कर रहा है, वहाँ पे फंक्शन हो रहा है, उसके बेसिस में काम चल रहा है. और यहाँ पे एक यूनिसेलुलर से बड़ा, मतलब एक मल्टीसेलुलर चीज़ आ रही है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलग एक प्लांट बॉडी होती है जहाँ पे सबस्ट्रेटम के साथ, मतलब प्रेजेंट है कोई भी चीज़ से वो अटैच्ड है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, होल्ड फास्ट. उसके बाद इसके पास एक स्टॉक है, स्टाइप है, लीफ लाइक एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन है, एक लीफ लाइक ऑर्गेन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड बोल रहे हैं. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ऑब्वियसली एल्गी, क्लोरोफाइसी हो, रोडोफाइसी हो, फियोफाइसी हो, जो भी हो, फ्रेगमेंटेशन ही होगा उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का तरीका, क्योंकि जो बेसिक है वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स. तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ कुछ चेंजेस हो रही है. जो क्लोरोफाइसी था वहाँ पे हम लोग देखे थे कुछ अलग चीज़, यहाँ पे जूस्पोर था और ये जूस्पोर फ्रेगमेंटेड था, है ना, सॉरी फ्रेगमेंटेड बोल रहे हैं, फ्लैजिलेटेड था, राइट. फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय जूस्पोरेंजिया. सो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट था. इसके बाद हम लोग देख रहे हैं फियोफाइसी में, फियोफाइसी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो जू है ये बायफ्लैजिलेटेड है, ठीक है, ये बायफ्लैजिलेटेड प्रेजेंट है. तो ये हो भी सकता है यहाँ पे कुछ, मतलब हो भी सकता है इन द सेंस यहाँ पे फ्लैजिला बोले हैं लेकिन यहाँ पे बायफ्लैजिलेटेड या ये सब कुछ नंबर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे नंबर मेंशन किया गया है दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला. ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस. यूनियन ऑफ गैमेट्स मे टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम. ओगैमस स्पीसीज, द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, पियर शेप्ड एंड बेयर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला. द कॉमन फॉर्म्स आर इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गैजम एंड फ्यूकस, ठीक है. तो हम लोग देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो भी सेम है जैसे कि हम लोग क्लोरोफाइसी में देखें कि इट विल बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस. ओके, याद तो हो ही गया है कि आइसोगैमस कैसा होता है, एनाइसोगैमस कैसा होता है और ओगैमस कैसा होता है. ओके, नाउ यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन द वाटर, मतलब जो फर्टिलाइजेशन जो होती है यूनियन ऑफ गैमेट्स उसी को बोल रहे हैं जहाँ पे वो अटैचमेंट हो रही है. तो इट कैन टेक प्लेस इन वाटर क्योंकि ऑब्वियसली ये मैरीन है जो स्पीसीज है, राइट. विद इन द ओगोनियम में भी हो सकते हैं. द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, दैट इज द पियर शेप्ड एंड बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला. तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जूस्पोर्स भी है जो वो जूस वो भी बायफ्लैजिलेटेड है. और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं गैमेट्स जो होते हैं वो भी लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला वहाँ पे प्रेजेंट होता है. और ये एग्जाम्पल्स है, ये पांच एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी दिया गया है जस्ट लाइक क्लोरोफाइसी. ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट एल्गी जो है वो है रोडोफाइसी, दैट इज द रेड एल्गी. द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी. तो वहाँ पे क्या था, पहले क्लोरोफाइसी में क्या था, क्लोरोफिल ए एंड बी. ब्राउन एल्गी मतलब फियोफाइसी में क्या था, जैंथोफिल, राइट, जैंथोफिल, फ्यूकोजैंथीन,
those are the pigment dominated in the brown algae. तो उसके domination के ऊपर depend करता है, अगर बहुत कम है तो वहाँ पे chlorophyll A जो color दे रहा है वो mix होके क्या होगा, एक olive green जैसा color दे रहा है. कभी कभी xanthophyll के और फ्यूकोजैंथिन के जो कंसेंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल कलर क्या होगा, लाइट शेड ऑफ ब्राउन, डार्क शेड ऑफ ब्राउन, व्हाटएवर. इसके बाद हम लोग देखते हैं रोडोफाइसी. रोडोफाइसी में रेड पिगमेंट का नॉमिनेशन रहेगा ऑब्वियसली, और ये रेड पिगमेंट बेसिकली क्या है, आर फाइकोएरिथ्रिन. ठीक है, और आर फाइकोएरिथ्रिन का भी कंसेंट्रेशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. नाउ मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन with greater concentration found in the warmer areas. This is important. Antarctica में इसका concentration नहीं मिलेगा. तो ये सब ना assertion reason type के questions में कभी भी आ सकता है. Okay? तो देखो, with greater concentration found in the warmer areas, they occur in both well lighted regions close to the surface of the water. तो देखो ये कुछ छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर आप ध्यान में रखते हो ना तो नंबर नहीं जाता है. इसका जो ये मैरीन होता है, इसका हैबिटेट पता चल गया कि ये एक्वाटिक है और मैरीन है. ठीक है, और इसका जो सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन होती है वो गर्म के जगह में, गर्मी के जगह में, मतलब जो वार्मर एरियाज है उस जगह में इसके कंसेंट्रेशन ज़्यादा मिलता है. तो ऑब्वियसली अगर हम लोग एंटार्क्टिका की तरफ अगर जाएंगे तो रेड एल्गी तो मिलेगा नहीं. दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशंस वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स. तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है, वेल लाइटेड एरिया रीजन्स है, वहाँ पे भी प्रेजेंट रहते हैं. और एकदम नीचे बहुत ज़्यादा गहराइयों में, ठीक है, वहाँ पे भी, जहाँ पे एकदम कम से कम लाइट पेनिट्रेट करता है वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं. द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर. सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. The food is stored as Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. तो ये Floridian जो starch है, ये glycogen और amylopectin के जैसे, मतलब इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा similarity दिखाते हैं. The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. Obviously, algae का basic ही है कि fragmentation होगा. They reproduce asexually by non-motile spores. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, रोडोफाइसी में हम लोग देख रहे हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स. इसके पहले देखो, मतलब ये घटता हुआ जा रहा है. ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जू फ्लैजिलेट था. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, फ्लैजिलेटेड. यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं था. ठीक है, कुछ नंबर मेंशन नहीं था, ज़्यादा ही सोच रहे हैं. ठीक है, कि नंबर ज़्यादा था. इसके बाद ये आ रहा है बाईफ्लैजिलेटेड. ठीक है, बाईफ्लैजिलेटेड. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सीधा सीधा ये इसका जो नंबर है, ये नंबर घट रहा है. यहाँ पे मल्टी था और फिर यहाँ पे आके दो हो गया. दो होने के बाद अब यहाँ पे नील हो गया, मतलब कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है. दिस इज नॉन मोटाइल, राइट, दिस इज नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स इज नॉन मोटाइल. एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल क्या है, नॉन मोटाइल गैमेट्स. ठीक है, यहाँ पे जो सेक्सुअल गैमेट्स है वो भी नॉन मोटाइल है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस एंड एकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. और एक चीज, जो फियोफाइसी और जो क्लोरोफाइसी, इन दोनों में हम लोग क्या देखे थे, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, इन दोनों में हम लोग देखे थे कि आइसो था, एनाइसो था और ऊ था. ठीक है, ये प्रेजेंट था, लेकिन रोडोफाइसी में सिर्फ ऊगैमस ही प्रेजेंट है ना. यहाँ पे आइसो एनाइसो कुछ प्रेजेंट नहीं है. और इसका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं. ये ठीक है, नॉर्मल सा एक एग्जांपल है, नॉर्मल सा एक इंफॉर्मेशन है, उतना ज़रूरत नहीं है. द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, पॉर्फेरा, ग्रैसिलेरिया एंड जेलिडियम. तो ग्रैसिलेरिया और जेलिडियम सब लोगों को क्या मिलता है, ऑलरेडी पता है, दैट इज़ द अगार. ठीक है, जिसको हम लोग जेली फॉर्म में, आइसक्रीम बनाने में, ये सब चीज़ में
देखते हैं मतलब यूज होता है. तो आई हैव कम्प्लीटेड द एल्गी पोर्शन, है ना. तो एल्गी ये ख़त्म हो गया है. और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन आस्क मी. यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है बहुत ही सुंदर सा, वो भी बता देती हूँ कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी. यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी. मेजर पिगमेंट्स क्या है, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, फ्यूकोजैंथीन एंड जैंथोफिल, ठीक है. और इसके साथ स्टोर्ड फूड क्या है, स्टार्च, मैनिटॉल, लैमिनरिन. और सेल वॉल क्या है, सेलुलोज, सेलुलोज एंड एल्गी. इसके साथ फ्लैजुलर नंबर क्या होते हैं, 2 to 8, बहुत ज़्यादा होता है, इक्वल होते हैं एपाइकल होते हैं, ठीक है. और यहाँ पे अनइक्वल होते हैं, लैटरल होते हैं, और 2 है, और फ्लैजुलर यहाँ पे एब्सेंट है, एंड दैट्स वाई दिस इज नॉन मोटाइल, ओके. फ्रेश वाटर होता है हैबिटेट, ब्लैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर. अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नहीं लिखा गया है, दैट इज़ द सेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं. यहाँ पे हम लोग देखते हैं आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है, और ऊगैमस भी है. यहाँ पे भी हम लोग सेम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऊगैमस प्रेजेंट है, ठीक है. और कुछ जो एग्जाम्पल्स है वो भी आप लिख लेना यहाँ पे, क्या क्या एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ऑल दिस थिंग्स. नाउ जो एनसीईआरटी में इसके बारे में लिख दिया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द एल्गी, दिस इज एक्चुअली एनफ. इसी को अगर आपको याद हो गया है, ठीक है, तो इसी को आप लोग ना बार 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 पढ़ो, ताकि कैसे भी करके ये एग्जाम्पल्स जो है ये भूलो ना, ठीक है. क्योंकि क्वेश्चन ना यहीं से आता है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें एल्गी में पीएचडी करके पेपर नहीं निकालना है. हाँ, पेपर मतलब वो पब्लिश पेपर पब्लिश नहीं करना है, ठीक है. आपको नीट का पेपर निकालना है, और नीट के पेपर के लिए ना इतना एनफ है. आपको अगर मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगे तो उससे कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं. हाँ, इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लेना चाहिए, जहाँ पे फैक्ट्स कम, जहाँ पे समझना ज़्यादा है, ठीक है. कुछ कुछ समझने की बात हो रही है, उसको समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गेन कर सकते हैं. लेकिन जैसे कि फिजियोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ में, फोटोसिंथेसिस, ये सब चीज़ में. लेकिन ये जो चीज़ है, दिस इज़ द फैक्ट बेस्ड, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है. आप बस ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आपका जो ब्रेन है उसको बहुत ज़्यादा जंक फाइल में भर रहे हो. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या मैं पढ़ाई हूँ. अगर नहीं भी समझ में आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है. एंड यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड ऑल्सो माई जीमेल, जो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन. थैंक यू.